हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ खीर और साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने अभी कट नहीं किया हुआ, अभी समझ में नहीं आ रहा सब्ज़ी मैं क्या बनाऊँ। तो बस मेरे पास कद्दू बची हुई है तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहीं पे बैठ के मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी कट करूँगी। और खीर तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, रेसिपी नहीं शेयर की है क्योंकि मैंने ये सब रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया है। यहाँ पे मैं कद्दू ही काट रही थी। वैसे कद्दू को ही खाता, मतलब बच्चे नहीं खाते हैं और मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट मैं वही बना रही थी क्योंकि और कोई सब्जी था नहीं। मैं वही कट कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ किचन में तो मैं फटाफट मैं बस ऐसे सिंपल सा ही सब्ज़ी बनाऊँगी और कुछ भी इसमें मैं नहीं डालती हूँ मसाला वगैरह ज़्यादा। बस इसे मैं फ़ोरन डाल के बनाती हूँ, जो पंच फ़ोरन जो होता है वही डाल के बनाती हूँ। और ज़्यादा मतलब मिर्ची का प्रयोग नहीं करूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। तो भाई मैं बना रही थी फटाफट। आप लोग सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद डुगू को थोड़ा मतलब उसका बर्फ भी करवाना था तो मैं वही फटाफट बना रही थी। और मैं उसके साथ फिर बनानी थी आज पूड़ियाँ बनानी थी क्योंकि मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वही भाई मैं फटाफट बना रही थी क्योंकि डिनर, वैसे तो हम लोग रात को मैं डिनर थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, 8 बजे बनाती हूँ, 9 बजे हम लोग डिनर करते हैं तो मैं 8 बजे ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी और थोड़ा गर्मी भी लग रहा था तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैंने कभी अपना इवनिंग रूटीन शेयर नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपना इवनिंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी तो बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग की शुरुआत 5 बजे से कर दी थी। तो अभी मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ पे जो बिहार के होंगे उनको पता ही होगा और बैकग्राउंड में अगर कोई शोर होगा तो उसके लिए सॉरी क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह जाती है तो शोर होता है। तो यहाँ पे बिहार में फेमस है कि इस मौसम में यहाँ पे मतलब जब रेनी सीजन आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अदरा बोला जाता है। जो बिहार के होंगे वो जानते ही होंगे तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन खीर दाल की पूड़ी बनती है और आम खाया जाता है, मतलब साथ में खाया जाता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी डिटेल में। चेक को मतलब उसको उसके साथ मतलब बनाया जाता है तो मैं वही बनाऊँगी तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे काम मैनेज करती हूँ। स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है उनको तो बहुत काम करना होता है और जो ब्लॉग वगैरह जो बनाती हैं या जो यूट्यूब पे हैं तो उनको काफ़ी मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आज मैं जल्दी ही बना रही हूँ, ऐसे तो मैं डिनर लेट ही बनाती हूँ, मैं 8 बजे डिनर बनाती हूँ। तो आज मैं क्योंकि आज काफ़ी कुछ बनाना है, खीर भी बनाना है, दाल की पूड़ी बनाना है, सब्जी बनाना है। तो ऐसे तो डेली तो रोटी सब्जी नॉर्मल बनाती हूँ रात में तो, और इसमें तैयारी भी लगती है जैसे कि चने की जो दाल होती है उसको बनाया जाता है, उसको मतलब कि उसको कुकर में बॉईल करके उसको फ्राई करके और उसको आप वो पूरी में उसको भर के बनाया जाता है। तो उसमें थोड़ा मेहनत लगता है और मुझे अकेले बनाना है तो मैंने सोचा चलो इसको टाइम से बना लेते हैं पहले ही। और क्योंकि हम लोग पूरी वगैरह रात में खाते हैं नहीं तो चूँकि दिन में कोई तो घर पर होता नहीं है तो मैं जनरली ये रात में ही ऐसे मैंने सोचा चलो अभी शाम को ही बना लेती हूँ तो जल्दी डिनर वगैरह हो जाएगा क्योंकि रात में हम लोग पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं
और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। अब शाम हो चुकी है यहाँ पे, मैं छत पे थोड़ी देर के लिए शाम में आ जाती हूँ थोड़ी देर टहलने के लिए। और देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, अभी 6 बजे है, 6:15 मतलब 6:15 अभी हुआ है और काफ़ी अंधेरा अभी हो गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं अभी टहलूँगी, शाम को थोड़ी देर के लिए मैं आ जाती हूँ, चाय वगैरह पीना हो तो मैं यहीं पे आ जाती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है बहुत कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, यहाँ पे जलता तो थोड़ा सा लाइट आ रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो शाम को थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ यहाँ पे टहलने के लिए, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि मैं नीचे किचन में अभी बना रही थी सब्जी, मैंने बना लिया, खीर भी मैंने बना लिया है, बस मुझे दाल वाली पूड़ियाँ बनानी है। तो मैं बहुत गर्मी लग रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ देर छत पे आके टहल लेते, क्योंकि मैं यहाँ पे शाम में डेली आती हूँ, जब भी मैं शाम में दिया जलाती हूँ तो मैं यहाँ पर छत पर आ जाती हूँ थोड़ी देर टहलने के लिए, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। देख लीजिए कितना अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा सब जगह आप लोगों को। और मैं अभी जा रही हूँ दिया जलाने, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो मैं शाम को दिया जलाने आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ दिया जलाने। और पूजा रूम हम लोग का ऊपर ही है, तो मैं अभी दिया जला लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी तो मैं पूड़ियाँ बना रही थी, तो यहाँ पे वही दाल वाली पूड़ी है, जो चने की दाल, चने की जो दाल होती है उसकी पूड़ियाँ मैंने बनाई उसे अंदर से भर के। तो मैं फटाफट बना रही थी क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह हम लोग रात में जैसे खाते नहीं हैं, बट आज मैंने बना दिया क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश का था तो हो जाता कभी कभी, तो मैंने क्योंकि घर में कोई था भी नहीं दिन में, तो मैंने सोचा चलो रात में ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए खीर में हमारी बन चुकी है, तो खीर तो मैंने पहले ही बना लिया था, ये सब्जी मैंने बनाई है तो इसमें ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डाला है। ये फाइनली हमारा थाली सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग आइए, आप लोग भी हमारे साथ खाइए। और अभी डिनर वगैरह बन चुका है, सब कुछ बना लिया है मैंने, और अभी हब्बी जी भी आ चुके हैं, आज थोड़ा लेट हो गया उनको आने में, और अब जा रहे डिनर करने, आज थोड़ा जल्दी डिनर कर लेंगे क्योंकि अभी 8 बज रहा है। और उसके बाद आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।